तो आज हमें क्या बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। अगर आपके पास आइडिया है तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। एक मिनट। सो है व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ हरीश चौधरी और आप देख रहे हैं हरीश प्रोजेक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसको बनाने के लिए मैंने एक सनबोर्ड शीट का यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। लेजर लाइट का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से जिग जैग के स्टाइल में लेजर इसमें आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एंड में मैंने LDR लगाया हुआ है, और पिछले बार भी मैंने ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया था एक घर के लिए, तो ये भी घर के लिए ही है लेकिन इसको हम डोर में कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर मैंने साइड साइड में आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे मिरर्स का पीस स्टिक किया हुआ है, और इस साइड भी, ताकि ये इस तरह से जिग जैग की स्टाइल में नीचे की ओर आए। आपने इस वीडियो के थंबनेल में तो देखा ही होगा कि इसका थंबनेल और लेजर लाइट वाला जिग जैग स्टाइल में है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और आप यहाँ पर इसका वर्किंग भी देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। देख लिए ना? हाँ देख लिए। तो इस प्रोजेक्ट को आप इंस्पायर वार में भी लेकर जा सकते हैं और अपने बहुत सारे साइंस एग्जीबिशन में लेकर जा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट आप साइंस एग्जीबिशन में ही यूज़ करें, इसका यूज़ आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, अपने डोर में, मतलब कि रियल लाइफ में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मॉडल है और आप इस सर्किट को अपने घर के डोर, किसी भी डोर में लगा सकते हैं। तो जैसे ही कोई अंदर आता है इस डोर से, तो यहाँ पर एक बजर है, वो बजेगा। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा LED लाइट लगाया हुआ है, आप चाहें तो इसके जगह बड़ा सा भी कोई लाइट लगा सकते हैं, सो वो ग्लो होगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस YouTube चैनल और हाँ, आप चाहें तो मुझे Instagram में भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपना ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर मेरे रील्स वगैरह देख सकते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, सो आप उनको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें ये कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होगा। सो यहाँ पर मैंने LDR यूज़ किया है, ट्रांजिस्टर BC547। यहाँ पर आप चाहें तो 1K रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 100K रजिस्टर यूज़ किया हुआ है। यह है 5mm का LED लाइट रेड कलर में, और यहाँ पर मैंने ये कुछ छोटे छोटे वायर्स कनेक्ट किया है। और ये जो बेस है ये एक ब्रेडबोर्ड है, सो आप चाहें तो सोल्डरिंग भी कर सकते हैं इनको कनेक्शन करने के लिए, लेकिन ब्रेडबोर्ड में बिल्कुल ईजीली रहता है, इसमें आपको सोल्डरिंग करना नहीं पड़ता है और आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं इन सभी का। सो ये पहले से कनेक्शन इसलिए है क्योंकि मैंने पिछले बार अपने वीडियो में इस सर्किट का यूज़ किया था, और पिछले बार मैंने सर्किट डायग्राम नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने इस वीडियो में इसका सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है। सो आप सर्किट डायग्राम को भी देख कर इसको कनेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे डोर बनाने के लिए कुछ सनबोर्ड शीट चाहिए, सो ये जो है ये मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ, आप चाहें तो रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं अपने घर के डोर में। मैंने इन सभी कंपोनेंट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कई लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं कि भाई सर्किट डायग्राम दो, कंपोनेंट लिस्ट दो, क्योंकि आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं करते हैं और मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं। सो ये जो मिरर्स है इसको मैंने जुगाड़ किया है अपने घर के एक मिरर को तोड़ कर, सो मुझे तोड़ना पड़ा। और आप भी चाहें तो किसी पुराने ख़राब मिरर, टूटा हुआ मिरर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए जल्दी से हम इसका मॉडल बनाकर रेडी करते हैं, उसके बाद हम इसका वर्किंग टेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो डोर का मॉडल है वो बनकर रेडी हो चुका है, और यहाँ पर मैंने लेज़र लाइट के लिए जगह छोड़ा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो लेज़र लाइट को हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से फिट करना होगा, और अब यहाँ पर हमें सभी मिरर्स को कुछ इस तरह से लगाना होगा लेज़र लाइट के अकॉर्डिंग, और लास्ट में यहाँ पर LDR रहेगा। चलिए जल्दी से हम इसको कनेक्शन फिक्स करते हैं, सेटअप करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। मैंने इन सभी मिरर्स को कुछ इस तरह से स्टिक किया हुआ है, सो यहाँ पर ये जो लेज़र लाइट है ये जिग जैग की तरह नीचे आएगा, इसका जो लेज़र होगा, लेज़र बीम जो होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसा कि अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ,
यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे उंगली में इसका जो लेज़र लाइट जो है यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें LDR को लगाना पड़ेगा जो मैंने सर्किट बनाया हुआ है, और यहाँ पर हमें इस सर्किट में एक बजर भी कनेक्ट करना है ये वाला, और तभी जब जो लेज़र लाइट में कोई अगर टच करता है तो ये बजर बजेगा। LED लाइट का जो पिन लगा हुआ है हमें उसी में बजर लाइट को भी कनेक्ट करना होगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने LDR का वायर लंबा किया हुआ है क्योंकि हमें इसको यहाँ पर फिट करना होगा, फिक्स करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे उसका लेंथ बढ़ाना पड़ा। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं LDR में लेज़र लाइट आ रही है। यहाँ पर मुझे ये दबाना पड़ेगा इसके बटन को, इसलिए इसको दबाना ना पड़े करके मैं यहाँ पर कुछ लगा दूँगा जिससे कि ये हमेशा ऑन रहेगा कुछ इस तरह से। तो चलिए हम उसका भी जुगाड़ कर लेंगे। ये है देसी जुगाड़। मेरे पास यहाँ पर एक जीप टाई है और इसको यहाँ पर मैं टाइट कर दूँगा जिससे कि जो लेज़र लाइट का बटन होगा वो दबा रहेगा हमेशा, और आप चाहें तो ऑन ऑफ करने का भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको टाइट कर दूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्किंग कर रहा है, 100% वर्किंग है, ठीक है। तो आप भी कुछ इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जिप टाई नहीं है तो आप किसी टेप का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर लिया है, और जैसे ही मैं यहाँ पर लेजर लाइट के पास लाता हूँ अपने हैंड को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो देखना ये बजर बजेगा। यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है अब जाकर 100% कंप्लीट हो चुका है। सो जैसे ही मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लाता हूँ अपने या फिर किसी भी चीज़ को अपने हैंड को, तो जैसे ही लेज़र लाइट जब यहाँ से डिसकनेक्ट होता है LDR से, तो जो बजर है वो बजने लग जाता है। सो यहाँ पर आप इसका वर्किंग देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। और इसको बनाने में मुझे टोटल लगभग वही 200-250 रुपये खर्चा आया है। और बैटरी तो आप जुगाड़ कर ही सकते हैं अपने कोई ख़राब मोबाइल फ़ोन का, या फिर आप 20 रुपये वाला जो 9 वोल्ट का बैटरी आता है उसको भी बाय कर सकते हैं, और 50 रुपये का लेज़र लाइट, 15 रुपये का बजर। तो आपको हमारे प्रोजेक्ट कैसे लगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये प्रोजेक्ट अच्छी लगी होगी और वीडियो भी। सो अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छा लगा, और अगर आपको कुछ ख़राब भी लगा होगा तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो, और आप इसको अपने घर में ट्राई जरूर करना बनाकर, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है प्रैक्टिकल के लिए भी। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अपना रील्स अपलोड करते रहता हूँ, स्टोरी भी डालते रहता हूँ, जिससे कि आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।